नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष छाबड़ा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्पेशल ट्रैक्टर की जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने नए कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर की। यूँ तो मार्केट में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बहुत सारे हैं, बट उनसे जुड़ी कुछ परेशानियाँ भी हैं, जैसे कि इम्पोर्टेड स्प्रेयर के लिए लेस PTO HP, ग्राउंड क्लियरेंस, हाई टर्निंग रेडियस, हीटिंग प्रॉब्लम और ऑपरेटर सिटिंग हाइट। आज हम जानेंगे कि आपका कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बाकी सभी कॉम्पैक्ट ट्रैक्टरों की तुलना में कैसे बेहतर है। पेश है नया फार्म ट्रैक एटम, कॉम्पैक्ट है लेकिन इम्पैक्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस ट्रैक्टर की 6 ऐसी खूबियां जो इसको बनाती हैं अन्य ट्रैक्टरों से सबसे बेहतर। पहली, दमदार इंजन। दूसरी, फोर व्हील ड्राइव के साथ बेहतर ऑपरेटिंग स्पीड्स। तीसरी, ADDC हाइड्रोलिक। चौथी, लगातार काम ज़्यादा काम। पाँचवीं, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। और छठी, इंटरनेशनल स्टाइल। तो अब हम जानेंगे इन सभी 6 खूबियों के बारे में। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दमदार इंजन के बारे में। दमदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका इंजन पूरे 26 HP का है, जिससे आप कर सकते हैं हर काम बिना रुके। जो इसकी PTO HP है वो पूरा 19.5 का PTO HP है, जिससे आप हर प्रकार के इम्पोर्टेड स्प्रेयर व रोटावेटर आसानी से चला सकते हैं बिना किसी हीटिंग प्रॉब्लम के। अभी मैं आपको इसका इंजन दिखाना चाहूँगा। इंजन खोलने के लिए आपको इस लैच को प्रेस करना है और धीरे से उठा देना है। ये कार की तरह खुलने वाला सिंगल पीस बोनेट है। इस इंजन का टॉर्क 79.4 न्यूटन मीटर का है, जो श्रेणी में सबसे बेहतर है, और ये आपको हर काम के लिए अनुकूल ताकत प्रदान करता है। इसका जो एयर फिल्टर है वो एक ड्राई एयर फिल्टर है, जो 2-स्टेज एलिमेंट पर आधारित है, जो इंजन को शुद्ध हवा प्रदान करता है। इंजन में कूलेंट के स्तर को बनाए रखने के लिए हमने अलग से इंजन कूलेंट रिकवरी बोतल भी दिया है। रेडिएटर को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने इसमें एक जाली दी है, जो रेडिएटर में भूसे और मिट्टी को जाने से रोकती है, जिससे कि आपका रेडिएटर लंबे समय तक काम करेगा। इस ट्रैक्टर में हमने आपको फ्रंट माउंटेड बैटरी दिया है। इस फ्रंट माउंटेड बैटरी के 2 फायदे हैं। एक तो ये ट्रैक्टर के बैलेंस को बना के रखता है, और दूसरा इसकी मेंटेनेंस में आसानी है। इसमें हमने आपको दिया है एक स्पेशल टाइप का साइलेंसर, जिसको हम डाउन ड्राफ्ट साइलेंसर बोलते हैं, क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है और ये ड्राइवर की तरफ जाने वाले काले धुएं को रोकता है और ट्रैक्टर को एक कॉम्पैक्ट लुक देता है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी खूबी के बारे में, जो है फोर व्हील ड्राइव के साथ बेटर ऑपरेटिंग स्पीड। आप सोच रहे होंगे इस ट्रैक्टर के पहिए बड़े क्यों हैं, तो ये बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये चारों पहियों से काम करता है। ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसका फोर व्हील ड्राइव एक्सल वाटर सील्ड एक्सल है, और ये ट्रैक्टर को एक मजबूत और रोबस्ट लुक देता है। इसमें आपको मिलता है बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग, माने दोनों तरफ से एक्चुएटिंग, जिससे आप कम सर्कल में कटाई कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में हमने आपको दिया है एक छोटी सी बम्पर के साथ टो हुक, जो किसी भी ट्रैक्टर को खींचने के लिए उपयोग में आ सकता है। ट्रैक्टर में हमने चढ़ने के लिए एक हैंड होल्ड दिया है और फुट स्टेप दिया है, जिससे आप ट्रैक्टर पर आसानी से चढ़ व उतर सकते हैं। ट्रैक्टर में हमने आपको सिंगल डायफ्राम टाइप क्लच दिया है। इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। मैं आसानी से, आप देख सकते हो, इस क्लच को दबा रहा हूँ बिना किसी एफर्ट के। ये एक और खूबी है, इसमें आपको मिलता है फुल कॉन्स्टेंट मैश 9+3 का ट्रांसमिशन, जिससे आप चलते हुए भी गियर में चेंज कर सकते हो। अन्य ट्रैक्टरों में आपको ट्रैक्टर को रोक कर गियर चेंज करना पड़ता है। इसमें 9 आगे की स्पीड्स और 3 पीछे की स्पीड्स हैं। वो कैसे? क्योंकि इस ट्रैक्टर में 1, 2, 3 और 1 रिवर्स गियर है, और दूसरी तरफ हाई लो मीडियम रेंज है, जिससे आपको 9 आगे की और 3 पीछे की स्पीड्स मिलती हैं। हमने आपको डिफरेंशियल लॉक की सुविधा भी दे रखी है, मतलब अगर आपका ट्रैक्टर गड्ढे या मिट्टी में फंसता है तो आप इस लॉक की सहायता से अपने ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। इस ट्रैक्टर में हमने आपको एक खास सुविधा दी है 2-व्हील और 4-व्हील में कन्वर्ट करने की।
फोर व्हील आप तब यूज़ करोगे जब आपको पूरी ताकत से काम करना है, और टू व्हील में आप शिफ्ट कर सकते हो जब आपको सड़क या सीधे रास्ते पे चलना है। इस ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो श्रेणी के सभी ट्रैक्टर्स में सबसे बेहतर है। इस ट्रैक्टर में आपको एक खास पीले रंग का लीवर दिया हुआ है। ये पीले रंग का लीवर PTO लीवर है। इसमें आपको आगे की तरफ 540 और पीछे की तरफ 540E मतलब 540 इकोनॉमिकल PTO मिलती है, जिससे आप डीजल की ज़्यादा बचत कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए क्लस्टर में भी देख सकते हैं कि इंजन के 2500 RPM पर आपको 540 की PTO मिलेगी और 2000 RPM पर आपको 540 इकोनॉमिकल PTO मिलेगी। मतलब इकोनॉमिकल PTO में आपको कम इंजन चक्रों पर 540 RPM मिलेंगे, जिससे आप डीजल की बचत कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में हमने आपकी सेफ्टी के लिए क्लच सेफ्टी स्विच का ऑप्शन भी दिया है। अभी देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं की को ऑन कर रहा हूँ, बट ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं क्लच दबा के इसको स्टार्ट करूँगा तो एकदम से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब बिना क्लच दबाए ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। हमने आपको इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक दे रखा है, माने आप आसानी से अपने ट्रैक्टर को पार्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की तीसरी खूबी के बारे में, जो है ADDC हाइड्रोलिक्स। इस ट्रैक्टर में आपको दो लीवर दे रखे हैं। ऑरेंज कलर का लीवर पोजीशन लीवर है और ब्लैक कलर का लीवर ड्राफ्ट लीवर है। ड्राफ्ट लीवर की मदद से आप ADDC हाइड्रोलिक्स यूज़ कर सकते हैं, माने आप गहराई वाले इम्प्लीमेंट जैसे कि MB प्लाव कल्टीवेटर से हाई हाइड्रोलिक रिस्पॉन्स ले सकते हैं। पोजीशन लीवर की मदद से आप कम गहराई वाले उपकरण जैसे कि रोटावेटर लेवलर चला सकते हो। इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है पूरी 750 kg की हाइड्रोलिक लिफ्ट। इम्प्लीमेंट को सेट करने के लिए हमने दोनों तरफ से एडजस्टेबल लिफ्ट रॉड्स दे रखी हैं और बॉक्स टाइप मजबूत स्टे बार भी दे रखे हैं। उसके साथ आपको मिलता है स्लाइडर ट्रेलर हिच, मतलब मल्टी पॉइंट हिच, जिससे आप टो हुक को अलग अलग सेटिंग पर एडजस्ट कर सकते हैं। हमने आपको QRC कपलर भी दिया है, जिससे आप अपनी हाइड्रोलिक ट्रॉली को जोड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की चौथी खूबी के बारे में, जो है लगातार काम, ज़्यादा काम। आप इस ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम कर पाएंगे क्योंकि हमने इसमें दिया है एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम। इसका फ़ायदा ये है कि आप लंबे समय तक इम्पोर्टेड स्प्रेयर व रोटावेटर में काम कर सकते हैं। लंबे समय तक काम करने के लिए हमने इस ट्रैक्टर में दे रखा है सर्वाधिक 24 लीटर का फ्यूल टैंक। इसमें हमने आपको दिया है OIB ब्रेक्स, मतलब ऑयल इमर्स ब्रेक्स। ऑयल इमर्स ब्रेक्स का मतलब है तेल में डूबे रहने से इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप लंबे समय तक बिना रुके काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रैक्टर सर्विस में भी सबसे बेहतर है। आपको इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल 250 घंटे और ट्रांसमिशन ऑयल 1000 घंटे में चेंज करना है, जो कि श्रेणी में सबसे बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की पांचवी खूबी के बारे में, जो कि है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पूरी 3 सेटिंग्स मिलती हैं, यानी कि आप इस ट्रैक्टर को 3 फुट, 3.5 फुट और 4 फुट चौड़ाई विकल्प में सेट कर सकते हैं। ये चौड़ाई विकल्प इसको सभी तरह की फार्मिंग और इंटर कल्टीवेशन में उपयुक्त बनाते हैं। अगर मैं इसके कॉम्पैक्ट की खूबी के बारे में बात करूं तो जो इसका टर्निंग रेडियस है वो पूरा 2.1 मीटर का टर्निंग रेडियस है, जिससे आप कम सर्कल में कटाई कर सकते हो और एक रो से दूसरी रो में आसानी से जा सकते हो। ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लीयरेंस पूरे 310 mm का है, मतलब आप बिना रुके, बिना फंसे बरसात के दिनों में भी आसानी से चल सकते हो। अगर मैं इसकी ऑपरेटर सीट हाइट की बात करूं, माने ग्राउंड से लेकर ऑपरेटर की सीट की हाइट की बात करूं, तो वो 960 mm है, जो श्रेणी में सबसे बेहतर है। अगर आप इससे काम करेंगे तो आपका फल और ड्राइवर दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की छठी खूबी के बारे में, जो है इंटरनेशनल स्टाइल। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है स्टाइलिश सिंगल पीस बोनेट, जिसको आप एक लैच की टाइप से आसानी से गाड़ी की तरह खोल सकते हो। और इसको खोलने के लिए हमने आपको दिया है एक सिंगल गैस स्प्रिंग, जो आसानी से इस बोनेट को खोल देता है। और इस बोनेट का फ़ायदा देखिए कि आपको यहाँ पे पूरा ऑपरेटर स्पेस मिलता है और मैकेनिक आसानी से अपना काम कर सकता है। तो इस ट्रैक्टर को हमने पूरा यूरोपियन लुक दे रखा है। अगर आप आगे से देखेंगे तो इसमें एयर के इनटेक के लिए
प्रॉपर मैशिंग दे रखी है, प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प दे रखे हैं, एलईडी पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट दे रखी है। अगर आप ब्रांडिंग में भी देखेंगे तो फार्म ट्रैक को पूरा क्रोम फिनिश दे रखा है, और यहाँ पे हमने एटम 26 जो कि मॉडल का नाम है वो भी पूरा एम्बॉस्ड और क्रोम फिनिश में दे रखा है। साथ ही साथ आपको इस ट्रैक्टर में मिलेंगे एलईडी टेल लैंप्स। सारे लैंप्स एलईडी होने का मतलब ये है कि आपको अधिक रोशनी प्रदान करेगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। इस ट्रैक्टर में हमने आपको दिन रात काम करने के लिए एक स्पेशल प्लो लैंप दिया है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, माने इस ट्रैक्टर में आपको बहुत सारे डिजिटल कंट्रोल मिलते हैं। अगर मैं टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव लीवर को एंगेज करूंगा तो इसका इंडिकेशन आपको क्लस्टर में देखने को मिलेगा। अगर मैं पार्किंग ब्रेक लगाऊंगा तो भी आपको इसका इंडिकेशन क्लस्टर में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमने इस ट्रैक्टर में कोल्ड स्टार्ट प्लग का इंडिकेशन भी दिया है, मतलब आप ठंडे मौसम में भी इस ट्रैक्टर को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। इस ट्रैक्टर में हमने आपको एक खास सुविधा दे रखी है, मतलब इस ट्रैक्टर को आप की से ही स्टार्ट कर सकते हो, की से ही बंद कर सकते हो। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और अब मैं बंद कर रहा हूँ। इस फीचर को हम बोलते हैं सिंगल स्विच कट ऑफ। इस ट्रैक्टर में हमने आपको मोबाइल चार्जर पॉइंट भी दिया हुआ है और मोबाइल रखने के लिए एक स्पेशल होल्डर भी दिया हुआ है। में आपको मिलता है सपाट प्लेटफॉर्म और साइड माउंटेड कंट्रोल्स। सपाट प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर लेग स्पेस मिलेगा, यानी कि कोई भी लीवर आपके सेंटर में नहीं है, सारे लीवर साइड में माउंटेड हैं और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। इस ट्रैक्टर में हमने आपको 5-way एडजस्टेबल सीट दे रखी है, जिसको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे और अपने भार के अनुसार भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं आगे वाले पहियों की बात करूँ तो इनका साइज 6.12 है। इस ट्रैक्टर में हमने आपको दिया है 8320 का बड़ा रियर टायर। तो ये थी हमारे फार्म ट्रैक एटम की कुछ खूबियाँ। तो जैसे मैंने बोला था, कॉम्पैक्ट है मगर इम्पैक्ट है, तो आइए आज ही इसका डेमो लीजिए।